गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं इंडिया में मोस्ट पॉपुलर गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस गेम में बेसिकली हमें पहले कुछ लकड़ियां काटते हैं पहले, तो फिर मैं आपको बताता हूँ इस गेम में हमें क्या क्या करना होता है। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें लकड़ियाँ काटनी होती है। चलो मैं पहले थोड़ी लकड़ियाँ काट लेता हूँ। और भाई साहब, इस ये बंदा अपने हाथों से ही लकड़ियाँ काट रहा है, क्या बात है। ये पक्का कुंग फू कराटे सीख कर आया है चाइना से। तो चलो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इस गेम में बेसिकली हमें अपना एक घर बनाना होगा, फिर हमें टूल बनाने होंगे। पहले तो हम टूल ही बनाएंगे, वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पर रखते हैं, ये हमारे वुडन प्लैंक बन गए। और इसको ऐसे किया, हमारा बन गया एक क्राफ्टिंग टेबल। तो चलो गाइस, इस क्राफ्टिंग टेबल को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर स्टिक बनानी है, और ये हमने स्टिक्स बना ली। इस गेम में आप तलवार, कुल्हाड़ी और इसको क्या कहते हैं, कही कुछ, मतलब मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बना देता हूँ, स्वॉर्ड, एक्स, पिकैक्स, शॉवल एंड होए। अब ये सब फिर हम अपना ये बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, क्रॉसबो भी बना सकते हैं, शील्ड भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है, इसमें आप जो चाहे वो बना सकते हो। तो इसमें हमें आगे जाकर हम आयरन के, कोबर स्टोन के, डायमंड के और डायमंड के नदरराइट के टूल भी बनाएंगे। तो जब हम थोड़ा अमीर हो जाएंगे, अब हम इस गेम की स्टार्टिंग पर है, अभी हम बहुत गरीब हैं। तो गाइस चलिए, मैं थोड़ा अभी आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली हमें पहले प्रिपरेशन करनी होती है एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। ये मैं जितना भी ताम झाम बनाऊँगा यहाँ पर, अपना घर बनाऊँगा, फार्म बनाऊँगा, सब कुछ बनाऊँगा, वो इसीलिए कि मैं एंडर ड्रैगन से लड़ पाऊँ और उसे मार पाऊँ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले ज़रूरी है हमें एक विलेज ढूँढना। तो सबसे पहले हम एक विलेज ढूँढते हैं, ताकि हमें आगे जाकर विलेजर्स की कोई कमी ना है, क्योंकि हमें विलेजर से ट्रेडिंग करनी होती है। तो ट्रेडिंग से वो हमें ये सब टूल देते हैं जो हम क्राफ्ट करते हैं, बस थोड़ी सी वहाँ पर मेहनत लगती है। उसके लिए हमें फार्म भी बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पर नीचे केव है, मैं केव में नहीं जाऊँगा। तो चलिए गाइस, अब हम विलेज को ढूँढते हैं। और ये मरी मैंने डुबकी, और ये गया मैं ऊपर। चलो गाइस, अब हम इस तालाब से बाहर निकलते हैं। थोड़ा हमारा बंदा भी कह रहा था, यार थोड़ा नहला दो। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, तेरे को भी नहला देते हैं। और ये एक और केव आ गई। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर आयन मिलता है क्या। आयन तो छोड़ो भाई, यहाँ पर हमें कोल भी नहीं मिला। भाई साहब क्या घटिया केव है। चलो इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं, और हम आगे जाकर विलेज को ढूंढते हैं। चलो गाइस, जल्दी जल्दी से विलेज को ढूंढते हैं। चलो गाइस, अभी हम अपना थोड़ा सा खाना इकट्ठा कर लेते हैं। इस घटिया पिक को मार, और हमने इस पिक को मार दिया है, और हमें इससे एक पॉप चॉप मिल गया है। यह है रॉ पॉप चॉप, इसको हम कुक करके खाएंगे, जिससे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ये हमारे जो ऊपर दिख रहे हैं आपको लाल लाल से, ये हमारी हेल्थ है। और ये जो मुर्गी की टंगड़ियाँ दिख रही है, ये हमारे फूड खाने की क्षमता है, कि जब ये थोड़ा सा भी कम होगी तो मैं फूड खा लूँगा, जिससे हमारी हेल्थ बनी रहेगी। तो हमारे प्लेयर को भूख भी लगती है, तो साथ साथ हमें इसके खाने का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर से थोड़े मैं फ्लावर तोड़ लेता हूँ। और इस गाइस, जब यहाँ पर रात होगी तो ज़ॉम्बीस आ जाएंगे, और ज़ॉम्बीस से बचने के लिए मुझे पहले एक बेड बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा शीप को ढूंढता हूँ, क्योंकि शीप से ही मुझे मिलेगी वुड, तो मेरे पास बहुत है। तो हम बेड बना लेंगे। तो चलो गाइस, अब हम थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर निकलते हैं एक विलेज को ढूँढने के लिए। चलते हैं एक विलेज को ढूंढने के लिए। और गाइस, हमें मुझे लगता है कि शीप मिल गई है।
रात भी होने वाली है और यहाँ पर शीप्स भी मिल गई हैं। फटाफट से मैं इनसे ले लेता हूँ। एक ये गई, ये मारा और ये गई। अरे भाई साहब, मुझे एक वूल और चाहिए, क्योंकि जो शीप होती है, एक शीप होती है वो सिर्फ एक ही वूल देती है, तो मुझे बेड बनाने के लिए 3 वूल की ज़रूरत है। और यहाँ पर रात भी होने वाली है और अब ज़ॉम्बीज आएंगे तो वो मुझे मारेंगे, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक शीप देख लेता हूँ। अगर शीप है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ज़मीन के नीचे जाएंगे या फिर किसी केव में चले जाएंगे ताकि ज़ॉम्बी से बच सकें। तो चलो गाइस, पहले तो मैं भागता हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना ही अभी मुझे कोल मिला है, ना कुछ और मिला है। ऐसा करते हैं, इस पहाड़ी के ऊपर चलते हैं, इस पहाड़ी के बीच से इसको खोखला करते हैं वायर। गाइस मुझे वहाँ पर कोल भी दिख गया, अब हम कोल से टॉर्चेस बना सकते हैं। पहले मैं चलता हूँ यहाँ से ऊपर, गया यहाँ पर, गया फटाफट। मैं पहले यहाँ से कोल कलेक्ट करता हूँ, और मैंने कोल को कलेक्ट किया यहाँ पे थोड़ा, और गाइस हमारे पास कोल आ गया है। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, ज़ॉम्बीज आ जाएंगे नहीं तो। इसको थोड़ा और इसको थोड़ा, मैं यहाँ पर इसको एक प्लैंक लगा के रास्ता बंद कर देता हूँ, जिससे ज़ॉम्बी हमारे पास नहीं आ सकेंगे। और यहाँ पर रखा क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल से हमारे पास स्टिक्स तो हैं ही। और यहाँ से उठाया कोल, यहाँ रखी स्टिक, और ये हमारी बन गई 4 टॉर्च। वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो अब हम इस क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हाँ गाइस, हम अपना घर स्टोन का बनाएंगे, जिसके लिए हमें स्टोन की माइनिंग करनी पड़ेगी। ये जो आप पत्थर देख रहे हो, ये एक स्टोन है, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कोबल स्टोन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस चलिए थोड़ी माइनिंग कर लेते हैं। और हाँ, हम इस स्टोन के, कोबल स्टोन के टूल भी बना सकते हैं, जो कि वुडन के टूल से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं थोड़े स्टोन पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं अपने टूल बना लेता हूँ। और ये हम अपना क्राफ्टिंग टेबल बाहर ही निकाल कर रख देते हैं। ये रखा क्राफ्टिंग टेबल, और अब हमें क्या बनाना है यार, अब हमें बनाना है पिकैक्स, और ये बन गई एक्स। तो चलो गाइस, अब हम अपनी माइनिंग शुरू करते हैं। क्योंकि मैं रात में तो गाइस बाहर निकल नहीं सकता, अगर मैं बाहर निकला तो मुझे ज़ॉम्बी मारेंगे, और फिर मैं हमारा जो स्टीव है इसको ज़ॉम्बी स्कूट कर ही डालेंगे। तो इससे अच्छा है मैं थोड़ी माइनिंग कर लूँ। तो चलिए गाइस, अब हम माइनिंग करते हैं, और मैं आपको माइनिंग करने के बाद मिलता हूँ। तो चलो गाइस, मैंने यहाँ पर से पूरा इस जगह को खोखला कर दिया है, और मैंने 2 स्टैक, यस 1 2 3 स्टैक मैंने यहाँ से कोबलस्टोन की माइनिंग की है। तो चलिए गाइस, अब हम इस जगह से निकलते हैं, और मैंने पूरी रात माइनिंग की है, यहाँ पर सुबह भी हो गई है। तो चलो गाइस, अब हम इस जगह से एस्केप कर लेते हैं और थोड़ा बाहर निकलते हैं। फिर और हम बाहर निकल के अब हम अपनी मंजिल की ओर फिर से बढ़ते हैं। अब हम विलेज ढूंढेंगे, और गाइस हमें वहाँ शीप भी मिल गई है। तो चलो गाइस, अब हमारा बेड भी बन जाएगा। ए शीप मई है, मैं बकरी की तरह, भेड़ की तरह मैं कर रही है, पर हमें तुझे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें तुमसे फूल चाहिए और हमें बेड बनाना है। चलो गाइस, मैं यहाँ पर से थोड़ा कोल की माइनिंग कर लेता हूँ, और जिससे हम अपना खाना भी पकाएंगे और बहुत कुछ। ये कोल एक जैसे ना आयरन से भी इम्पोर्टेंट कोल है इसमें, क्योंकि हमें जो भी करना है, जहाँ तो लकड़ी से जलाना होगा या फिर कोल से जलाना होगा। तो चलो गाइस, मैं थोड़ा पहले कोल तोड़ लेता हूँ यहाँ से। चलो गाइस, मैंने यहाँ पर से कोल तोड़ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो मुझे इन पहाड़ों से एस्केप करना होगा। चलो गाइस, जल्दी जल्दी भाग कर इन पहाड़ों से बाहर निकलते हैं।
चल 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 भाई स्टील चल। और गाइस ये अपने जो गंदी सी आवाज़ सुनी थी ना, ये थी एक ज़ोंबी के बच्चे की। ओ वाओ गाइस, हमें यहाँ पर एक रूइंड पोर्टल मिल गया है और यहाँ पर एक गोल्ड गोल्ड ब्लॉक भी है। वाह भाई वाह। तो चलो गाइस यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं और नीचे लाओ ये टॉरेट्स को नीचे लाते हैं, क्योंकि ये फालतू ब्लॉक है पर ये लुक बहुत बढ़िया देते हैं। जब हम अपना घर बनाएंगे ना तो इसका इस्तेमाल हम अपने घर की छत पे करेंगे। तो यार ये कहाँ लग गया, इसको यहाँ रखते हैं। और यहाँ पर एक चेस्ट भी होती है गाइस, मुझे चेस्ट ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इस चेस्ट में हमें अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। और ये रही, मैंने कहा था ना यहाँ पर चेस्ट होती है और इन्होंने छुपाई हुई है। और गाइस हमें यहाँ पर से एक एक्स और एक शावल मिल गई है और फ्लिंट मिल गए हैं, चार फ्लिंट एंड स्टील, आयरन नंगट और एक ऑब्सीडियन। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऑब्सीडियन इस गेम का बेडरॉक इस गेम का सबसे हार्ड है, वो टूटता नहीं है। लेकिन ऑब्सीडियन है ना जो, ये सिर्फ डायमंड पिकैक्स की मदद से ही टूटेगा। और हमें इस गोल्ड ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ के जाना होगा क्योंकि हमारे पास आयरन की पिकैक्स नहीं है। अगर हमने इससे तोड़ा तो ये हमारे पास आएगा ही नहीं। तो चलो गाइस अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर आगे तो सारा एक समुंदर ही आ गया है, तो मुझे लगता है कि हमें आगे ही जाना चाहिए क्योंकि ये एक आइलैंड है, यहाँ पर विलेज मिलने के चांस थोड़े कम है। आगे वाले आइलैंड पर चलते हैं, शायद वहाँ पे हमें एक विलेज मिल जाए। तो चलो गाइस चलते हैं। और ये हम समंदर के बीचों बीच से जा रहे हैं और थोड़ी हमें सांस भी लेनी पड़ेगी। और ये बाहर निकले और ये हमारी अब ऑक्सीजन भरते जाएगी और ऐसे ही हम आगे वाले आइलैंड पे भी पहुंच जाएंगे। चलो भाई स्टीव फटाफट। अरे भाई साहब ये रुकी गया। अरे भाई साहब मुझे किसी ने मारा और मारा भी इतनी जोर से कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये पक्का एक ट्राइडेंट वाला होगा। कहाँ पर है ये देखो गाइस, ये आ रहा है, ये आ रहा है। इसने मुझे ट्राइडेंट से मारा और ट्राइडेंट का भाई साहब इतना ज़्यादा डैमेज होता है ना। ट्राइडेंट मैं आपको दिखाऊंगा कभी, हम ट्राइडेंट भी ढूंढने जाएंगे। पर पहले आज हमारा पहला दिन है, हम विलेज ढूंढते हैं और इससे मैंने थोड़ा खाना ले लिया है। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी भागकर आगे चलते हैं और एक विलेज को ढूंढते हैं। और गाइस मुझे लगता है कि सामने एक विलेज है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि विलेज है जहाँ मेरा वहम है। चल भाई चल 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 चल। ओके गाइस हमें एक विलेज मिल गया है। अरे भाई साहब, और ये विलेज एक आइस बायोम के पास है। ये सामने जो आप बर्फ देख रहे हो इसका नाम आइस बायोम है। और गाइस इस बायोम का नाम मुझे थोड़ा पता नहीं है, सॉरी। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी आपको इस बायोम का नाम बताऊंगा। पर बायोम का नाम बताकर क्या करेंगे, ये तो एक ज़ॉम्बी विलेज है जहाँ पर तो कोई भी विलेजर नहीं होगा, सब सारे ज़ॉम्बी बने होंगे। पर ये देखिए, ये भाई साहब ये ज़ॉम्बी विलेजर है। ये मुझे मारेंगे देखना। और देख ये मारा मुझे पता था ये हरकत करेगा क्योंकि ये कुत्ते की दुम होते हैं। जब ये दूसरे विलेजर होते हैं तो ये सही रहते हैं। पर हाँ गाइस, अगर हम इनको क्योर कर लेंगे ना तो ये हमें जो चीज़ ये 10 एमरल की देंगे वही चीज़ ये हमें 2 एमरल की देंगे। तो गाइस अभी मेरे पास पोशंस नहीं है और ना ही गोल्डन एप्पल है जिससे मैं इनको प्रूव जैसे ज़ॉम्बी विलेजर से एक विलेजर बना सकूँ। तो चलो गाइस कोई बात नहीं, हम इस विलेज में थोड़ा सा लूटपाट करेंगे और फिर चले जाएंगे। पहले मैं यहाँ पर से थोड़ा खाना इकट्ठा कर लेता हूँ। गाइस ये हे बेल है और इससे हम बनाएंगे ब्रेड। हे बेल को रखा यहाँ पे। और ये गाइस हे बेल एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कितनी भी ऊंचाई से माइनक्राफ्ट में कूदो और आपके हाथ में हे बेल है, आप हे बेल को नीचे रख दो तो आपको कुछ भी नहीं होगा, 0 डैमेज आएगा।
तो गाइस हेवेल इसलिए बहुत काम की चीज़ है माइनक्राफ्ट में। तो चलो अब हम यहाँ पर से थोड़ा खाना बना लेते हैं, क्योंकि हमारा प्लेयर थोड़ा भूखा है और अब हमारी हेल्थ भी जाने लगी है। और इसको किया ऐसे 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 ऐसे, तो गाइस सब हम ब्रेड बना लेंगे 12 3 3 6। और ये हमारे ब्रेड बन गए, हमारे 39 ब्रेड बन गए। और मैंने 2 हेवेर रख लिए आगे के लिए बचा के, ताकि अगर हमें कहीं पर से कूदना पड़े तो हम आराम से कूद जाएं। और हमारे प्लेयर के ने भी खाना खा लिया है और इसका भी पेट भर गया है। तो चलो गाइस इस विलेज से थोड़ा कुछ ढूंढते हैं। और ये खड़ा नहीं दे रहा है, इसका मैं बेड ही तोड़ लूँगा। और गाइस ये जो है ये मकड़ी का जाला है, अगर इसमें हम फंस गए तो हम बहुत स्लो हो जाएंगे। तो चलो गाइस मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तो इस हाउस में भी कुछ नहीं मिलेगा हमें, इस हाउस में एक चेस्ट होती है, हम देखते हैं कि इस हाउस में चेस्ट है या फिर एक ज़ॉम्बी विलेजर है, ये मुझे मारेगा। ये कैमरे है, इसमें ब्रेड है और 7 पोटैटोस हैं। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी हम इसको उठा लेते हैं। और मैं यहाँ पर एक आर्मर का रूम ढूंढ रहा हूँ, जिसमें कई बार हमें वहाँ से आयरन की पिकैक्स या फिर डायमंड भी मिल जाते हैं। और ये देखिए गाइस ये सी के ज़ॉम्बीज हैं, ये मेरे को मारेंगे। गाइस अब हम इस समुंदर से बाहर निकलते हैं और सामने वो बड़े वाले घर में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ मिलता है या फिर वहाँ पर भी ज़ॉम्बी विलेजर होंगे। तो गाइस वो देखो वहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, चलो छोड़ो गाइस, क्या इनमें थोड़ी कोई खास थोड़ी मिल जाएगी। हम आगे चलते हैं, कोई और विलेज ढूंढते हैं। तो चलो गाइस अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई साहब, मैंने पहली बार किसी ज़ॉम्बी विलेजर को पानी के अंदर देखा है। नहीं तो ये मैं आपको विलेजर भी दिखाता हूँ कि जो विलेजर होते हैं असली वो कैसे होते हैं। तो चलो गाइस अब हम विलेज ढूंढते हैं। और गाइस मैं यहाँ पर से अभी जा रहा था, तो मैं एक बहुत ही डीप, एक जैसे कह सकते हो एक गड्ढे में गिर गया हूँ। तो गाइस मैं ऐसा करूँगा कि इस बेड को यहीं पर लगा रहने दूँगा, बाई चांस अगर मैं चढ़ता नीचे गिर गया तो मैं यहीं पर रिस्पॉन हो जाऊँगा। पर अगर मैंने इस बेड को छोड़ा और अगर मैंने कहीं पर विलेज बना भी लिया तो फिर से मुझे इसी बेड पर रिस्पॉन पॉइंट होना पड़ेगा। तो चलो गाइस मैं इस बेड को उठा ही देता हूँ, क्या पता हमारे दिमाग का कि हम कभी रिस्पॉन पॉइंट वहाँ पर सेट करें कि ना करें। तो गाइस अभी मैं एक केव से बाहर निकलता हूँ। और गाइस मैं भी एकदम डंगर ही हूँ, नीचे से आयरन था, मैंने आयरन उठाया ही नहीं। और ये देखिए गाइस ये है ट्राइडेंट वाला बंदा, अगर इसने मेरे ट्राइडेंट मारा तो 2 ट्राइडेंट में मेरा HP पूरी तरह चली जाएगी। तो मैं पहले रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ, अगर ये बाई चांस मुझे मार भी दे तो मैं दोबारा यहीं पर स्पॉन। गाइस ये जो ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी है, 100 बार अगर मैं इसको मारूंगा ना तो एक बार चांस है कि ये मुझे ट्राइडेंट देगा। ये देखो कैसे मारा इसने मेरे को, भाई साहब मैंने आपको बोला था ये बहुत गंदा मारता है। अरे रुक ये उसको लग नहीं रही यार, ये गया। और देखा गाइस इसने मुझे ट्राइडेंट नहीं दिया, इसने मुझे दिया अपना सड़ा हुआ खाना, रॉटन फ्लैश। भाई साहब वाह गजब बेइज्जती है। तो चलो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, पर पहले इसको मैं यहाँ से ब्लॉक कर लेता हूँ। और ये गया मैं यहाँ पर अपना बेड उठा देता हूँ। अरे भाई साहब बेड उठाने के लिए भी जगह इन्वेंट्री में नहीं। ज़ॉम्बीज का मास, रोटन फ्लैश, इसको मैंने बाहर फेंका। और अब हम चलते हैं विलेज की तलाश में। गाइस मैं यहाँ पर अपना घर इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे पूरी गेम में विलेजर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो मुझे विलेजर की ज़रूरत पड़ेगी। और सामने हमें
एक विलेज दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि ये, मुझे लगता है मैं फिर से वही विलेज में आ गया, मैं फिर से ज़ॉम्बी विलेज में आ गया। हाँ गाइस, मैं फिर से घूम घुमा के वही ज़ॉम्बी विलेजर में आ गया। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, अब हम बनाते हैं पहले एक बोट, और बोट से अब हम विलेजर को, जैसे मेरा मतलब है कि विलेज को ढूंढेंगे। तो गाइस अब मैं सबसे पहले एक बोट बना लेता हूँ, उसके लिए हमें एक शवल चाहिए, और ये आ गई हमारी बोट। तो चलो गाइस अब हमारी बोट भी बन गई है, हम इस बोट को निकालते हैं और पानी में रखते हैं। ये हमने किया बोट, और ये हमारे पास, मुझे लगता है हमारा क्राफ्टिंग टेबल आ गया है। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं इस जगह से। चल भाई चल, और ये हमारी बोट चल पड़ी। चली रे राह चली जियो रे बाहुबली, चलो बाहुबली जल्दी जल्दी चलो। चलो गाइस अब मैं आपको विलेज, एक विलेज ढूंढता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं विलेज को ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, और आज मैं केव में चला गया था, और जहाँ पर से मुझे 21 आयरन ओर मिले। तो गाइस अब हम इस खड्डे से बाहर निकलते हैं और विलेज को ढूंढते हैं, ताकि हम अपना एक छोटा सा घर बना सके। ओ वाह भाई, हमें वहाँ पर एक विलेज मिल गया है। चलो गाइस, एक जो हमारा आज का मेन टारगेट था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक विलेज की तलाश थी और हमें एक विलेज मिल गया है। तो चलो गाइस अब हम फटाफट से इस विलेज में जाते हैं, और थोड़ा सा खाना है, खाना तो हमारे पास इनफ है। मुझे एक विलेज की जरूरत थी, और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आर्मर है। लास्ट फर्नेस को इसमें मैं थोड़े अपने आयरन ओर बना लेता हूँ, आयरन ओर से आयरन बना लेता हूँ मेरे पास है। तो गाइस लास्ट फर्नेस में अगर हम अपना आयरन मेल्ट होने के लिए रखते हैं, तो माइनक्राफ्ट में ये बहुत जल्दी होता है। अगर हम लास्ट फर्नेस में रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलो गाइस यहाँ पर हमारा आयरन मेल्ट हो रहा है, और फिर हम थोड़े आयरन के टूल भी बना लेंगे। तो चलो गाइस अब हम सब बाहर निकलते हैं और इस विलेज में घूमते हैं। और यहाँ पर पहले तो मैं अपना बेस स्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ। चलो गाइस जल्दी जल्दी शुरू करते हैं इस विलेज की शॉपिंग। तो खास तो कुछ है नहीं, अब हम अपना अपना घर बनाया है, और ये जगह बहुत बड़ा है। मैं अपना घर एक प्लेन जगह पर बनाऊँगा, जो जिसका सरफेस एकदम प्लेन हो, और मैं विलेज के पास ही बनाऊंगा, ज़्यादा दूर नहीं बनाऊंगा। तो मुझे ये वाली जगह भी थोड़ी ऊपर खाबड़ी है, थोड़ा ऊपर जाती थी। तो कोई बात नहीं गाइस, अगर जगह ऊपर खाबड़ी है तो हम इसे प्लेन भी कर लेंगे यहाँ से। तो चलो गाइस आज ही इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस अगर मैंने थोड़ी सी क्या, मुझे लगता है कि थोड़ी कमेंट्री मेरी ख़राब ही है अभी तक, तो गाइस उसके लिए आपके भाई को माफ़ कर देना, क्योंकि आपका भाई अभी नया नया वीडियो बनाने लगा है। तो गाइस आप हमारे चैनल को प्यार कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं।